दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं हर महीना आप जो सिलेंडर लेते हो उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है सब्सिडी वाला या नहीं जाता है, अगर आपका जवाब है मुझे कैसे पता, तो गैस आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही चेक कर सकते हो, जान सकते हो कि सब्सिडी का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है या फिर नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करने होंगे, क्या है प्रोसेस, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल यार। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में आई नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करके ऑल कर दो, तभी तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और आप इन सभी वीडियो को सबसे पहले अपने फ़ोन में देख पाएंगे। तो गाइस, इसके लिए सिंपली आपको कोई सा भी ब्राउज़र को खोल लेना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है myLPG.in। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जूम कर लेना। अगर आपको ये वेबसाइट सर्च करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के पेज पर पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इन तीन सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर को चूज़ करना है, आपका सिलेंडर जो भी हो। मेरा जो है वो है भारत गैस का, तो मैं भारत गैस सेलेक्ट करूँगा। अगर आप गैस का हो या इंडियन का हो तो वो आप अपने मर्ज़ी से करें, तीनों का प्रोसेस चेक करने का सेम है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें इस थ्री डॉट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, ताकि ये सारी की सारी जो है वो अच्छी तरीके से खुल जाए और वर्क करे। तो यहाँ पे जो है डेस्कटॉप साइड पे ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और फिर से हमें ये पीछे लेके जाएंगे। तो फिर से हमें जो है सिलेंडर वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम फिर से चलिए भारत गैस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आएंगे, थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, तो आप इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह के पेज आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको सब्सिडी चेक करने के लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला, आपने जो भी रजिस्टर मोबाइल दिया था उसे आप टाइप करोगे तो निकल जाएगा, और सेकंड जो है एलपीजी आईडी है, थर्ड जो है आपका जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और जो भी आपका एलपीजी कस्टमर नंबर है उसको अगर आप दोगे तो ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे जो है हम अपना नॉर्मली जो भी हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर था तो उसे हम टाइप कर देंगे। तो चलिए हम टाइप कर देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे करना है, और यहाँ पर जो है आपको इसमें जो है क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये ऐसे ही एरर मारते हैं, बट थोड़ा सा ये पॉपअप है और ये ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये निकल चुका है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो जिसके भी नाम से है ये वो आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देख सकते हैं इसका जो भी स्टेटमेंट था वो निकल चुका है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडी का पैसा इसे कितना कितना मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपना डिलीवरी इतना तारीख को किया था, यहाँ पे 19/4/2020 को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 19/4/2020 को इन्होंने किया था। तो ये रहा उसका कैश नेमो, और इतना इतना जो है इतना रुपये जो है उसके खाते में गया था। तो गाइस आप साफ साफ देख ही सकते हो, और ये तारीख भी देख सकते हो 19/4/2020 का है, ये अब से कुछ ही दिन पहले की है। 19/4/2020 की डिलीवरी डेट आप देख सकते हो, और कैश नेमो नंबर भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे गैस का कितना पैसा लिया था, मैं ही गया था लाने तो 842 रुपये लिया था, सही है एकदम। और सब्सिडी जो है मुझे 245 रुपये मिला था, और इससे पहले जो है 683 रुपये ही लिया था, बल्कि इतना ही सब्सिडी दिया था। तो गैस कुछ इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो गैस फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे।
वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर बजाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वंदे मातरम।